नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हमने अंडे से ये बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताएं। और इससे ना ऑमलेट का और जो अंडा रोल है इन सब का फ्लेवर आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो हमने दो बड़े प्याज को काट लिया है बारीक बारीक और हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च। और हमने अंडे लिए, अंडे को हम एक बाउल में फोड़ लेंगे। तो हमने 4 अंडे लिए हैं और चारों अंडों को हम फटाफट इसमें फोड़ लेंगे। और खाने में इतना अच्छा लगता है और बनाना भी एकदम आसान है। आप लोग इसको मतलब बनाते हुए कोई भी काम कर सकते हैं, इतनी मतलब जैसे इसको छोड़ के आराम से ये पकता रहे और कोई और काम करते रहे, जैसे रिलैक्स एकदम आराम से बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो लीजिए, हमने 4 अंडे को फोड़ लिया एक बाउल में और ये हमने जो बारीक बारीक प्याज काटा था वो डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। और इसके बाद हमने 8-10 काली मिर्च लिया था उसको हमने पीस लिया था वो डाल देंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। एक चुटकी के करीब हल्दी डालेंगे, बिल्कुल एक चुटकी के करीब, थोड़ा सा हल्का मतलब कलर थोड़ी येलो आए बस, और ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसको हमने फेंट के साइड में रख दिया है। और इसके बाद आटा लगा लिया है हमने, ये गेहूं का आटा है। तो अब आटा लगाने के बाद छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे और रोटी बेलेंगे, और रोटी थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखेंगे, जिससे बारीक एकदम रोटी पतली पतली बनाते हैं ना फुलके वाली, वैसी रोटी नहीं चाहिए, थोड़ी सी थिक चाहिए मतलब मोटी। तो लीजिए इसी तरह से एक बार में 4, 5, 6 जितने बनाने हैं आपको। लेकिन ये ना एक बार कढ़ाई में एक मतलब एक फ्राई करिए फिर दूसरा बनाइए, बना के रख नहीं सकते हैं इसको। तो लीजिए हमने दो कटोरियों में एक साथ बनाया है, लेकिन इसकी जो कटिंग है ना वो नहीं करेंगे एक साथ, आगे हम बताते हैं कौन सी कटिंग। तो लीजिए इसको हमने फेंट के रखा था ना जो ऑमलेट अंडे का, उसको हम किसी बर्तन से सेट करेंगे, कोई भी बर्तन की दो जो भी सारा मतलब बनाए ना तो सारे में इक्वली भरा है ये अंडा का जो फेंटा हुआ है। तो हमने एक कटोरी सेट किया है, उसी से हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा, एक एक कटोरी डालें, हल्का सा थोड़ा सा बाद में डाला था मैंने। और ये जो प्याज मिर्च है ना वो बीच में इकट्ठा हो गया था, इनको हम सेट कर देंगे कटोरियों में। इसके बाद ऊपर से हम दूसरी रोटी लेंगे और इसको पानी से ना पूरा गीला कर देंगे, एक तरफ का जो किनारी है ना वो चिपक जाएगी अच्छे से। तो लीजिए इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसको पूरा फैला लेंगे, और इसके बाद इन कटोरियों के ऊपर रखेंगे इस तरह से। दूसरी रोटी लेंगे, इसके ऊपर भी पानी डालेंगे, और इस तरह से किनारे से अच्छे से दबा देंगे। जो कटोरी का किनारा है ना उसके ऊपर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो ये कट जाएगा, साइड से थोड़ा सा साइड से इसको अच्छे से दबाएंगे। देख सकते हैं इसी तरह से, लीजिए इसी तरह से दूसरी कटोरी को भी दबा लेते हैं। लीजिए इसी तरह से बिल्कुल, ये जब पानी लगाते हैं ना दूसरी रोटी में तो उसकी वजह से अच्छे से चिपक जाएगा किनारे। और पूरी रोटी पे लगाने का ये है कि कहीं भी आप कर सकते हैं, नहीं तो उसको सेट करना पड़ेगा, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ किनारा है कहाँ क्या है, तो इसीलिए पूरी रोटी पे लगाना पड़ता है। तो लीजिए इस तरह से हमने कटोरियों में अच्छे से सेट कर दिया है, इसको अच्छे से दबा दबा के सेट कर लीजिएगा कि दोनों रोटी एक आपस में ना चिपक जाए। तो लीजिए एक को हमने साइड में रख दिया, दूसरे की किनारी, इसी किनारी को मैं कह रही थी कि थोड़ा सा छोड़ के निकालते हैं, और जब कढ़ाई में डालना हो पकने के लिए पैन में तवे पे जिस मर्जी में बनाएं आप, तो आधा इंच छोड़ के, आधा इंच मतलब 2 पॉइंट छोड़ के इसको काटिएगा, एकदम किनारे पर से मत काटिएगा, नहीं तो ये कटोरी के अंदर चला जाएगा और ये फूट जाएगा।
तो लीजिए इधर हमने पैन रख दिया और पैन में हमने एक चम्मच तेल डाला है, उसको अच्छे से फैला लेंगे पैन में। और पैन गर्म भी हो गया है तो गैस शुरू से लेके लास्ट तक आपको एकदम मीडियम रखना है, बिल्कुल एकदम लो कर देना है, बिल्कुल लो। और लीजिए इसमें कटोरी रखेंगे और थोड़ी 2-3 सेकंड के बाद इसको थोड़ा सा जो पक जाएगा ना हल्का सा, तब इसको कटोरी को हटा लेंगे, आसानी से हट जाएगा। और 1 से 2 मिनट इसको लगा है एक तरफ का पकाने में, तो मतलब एक जो है ना ये जो इसको ऑमलेट कचौरी या फिर ऑमलेट डोसा, मतलब जो मर्जी आप बोलना चाहें इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा एक को पकाने में। तो धीमी धीमी आंच पे पकाइएगा और बहुत अच्छा बनता है ये। और ये वाली मैंने पोटली वाली बनाई है, पोटली वाला भी अगर आप लोग को पता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊँगी आप लोग को कि कैसा बनता है। लीजिए हमने इसको तोड़ के भी दिखा दिया और अंदर से कितना अच्छा पका है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर के ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और आप लोग अपने घर में ज़रूर बना के खाइएगा और जो खाएगा ना वो तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अंदर से एकदम अच्छे से पक जाता है ये। तो लीजिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।